नया दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। राहुल गांधी ने अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो अड़े हुए हैं उस पर। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने कल झारखंड की रैली में मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया बताया था। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं होता। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है, बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है, महिलाओं पे हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है, कश्मीर में हिंसा हो रही है, पूरे देश में हिंसा ही हिंसा है। और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी, आज रघुराम राजन जी मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है, और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है। अत्याचार, डिविजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है। तो जो हमारा रेप्यूटेशन था वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है। ये बातें मैंने कल अपनी स्पीच में कही। नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना है, महिलाओं की बात तो है मगर यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको उन्होंने नष्ट क्यों किया। यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान के युवा जिनके पास रोजगार था उनसे नरेंद्र मोदी ने रोजगार क्यों छीना। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके रेप इन इंडिया का कहना यह था कि खबरें जो छप रही हैं उस पर है, इसको घुमाकर सीएबी और उस पर मचे बवाल से विषय भटकाने का काम कर रही है ये बीजेपी, मुझे घेरने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल ने कल झारखंड के गोड्डा में क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना, अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। अब आज उन्होंने कहा कि मैंने कहा अखबारों में आप सब जगह देखते हैं तो सिर्फ रेप इन इंडिया, लेकिन ऐसी बात तो गोड्डा में उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया की बात करते थे, अब रेप इन इंडिया हो रही है। अब इससे पहले राहुल गांधी के रेप इन इंडिया के बयान पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी से रेप इन इंडिया के बयान पर माफी की मांग की। बीजेपी ने कहा कि मोदी देश की बात कर रहे हैं तो राहुल रेप की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने झारखंड की रैली में विवादास्पद बयान दिया था। आइए सुनते हैं कि लोकसभा में क्या बवाल हुआ था और स्मृति ईरानी ने क्या कहा। राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी खानदान के एक बेटे ने आह्वान किया हो कि महिलाओं का बलात्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए।
अपनी राजनीति के लिए महिला पर अत्याचार और महिला बलात्कार के विषय को तंत्र बनाकर राहुल गांधी ने ये निंदनीय काम किया है। वैसे तो हिंदुस्तान की औरतें सक्षम हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का, लेकिन आज मैं यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान का हर पुरुष बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में? प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सभी आकर हिस्सा लें और हिंदुस्तान को सशक्त करें। राहुल गांधी कहते हैं कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए, ये सभ्य समाज में किसको मंजूर हो सकता है? आज मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी भी समझाएं कि हिंदुस्तान की औरतें इस प्रकार के निंदनीय अपराध को कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं आहत हूं कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए यूपीए की कुछ महिला सांसद भी उपस्थित हो गईं। महिला के बलात्कार और महिला पर अत्याचार के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षों वर्ष से मैंने ये पक्ष सदन में और सदन के बाहर रखा है। मैं स्तब्ध हूँ कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ऐसे निंदनीय शब्दों के लिए बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी कान खोलकर सुन लें, कम रेप इन इंडिया का उनका इनविटेशन, उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के परिवार उनको दे। मैम, आप लोग माफी की मांग कर रहे थे लेकिन कांग्रेस के तमाम सांसद और कुछ महिला सांसद भी यूपीए के सहयोगी दल के खड़े हुए थे। आज आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग आपका ये प्रसारण देख रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी नेता को सुना ये कहते हुए कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए? राजनीति अपनी तरफ, एक तरफ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो इस स्टेटमेंट का समर्थन करेगा? मैम, आपको उम्मीद है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगना पर्याप्त होगा? अगर आपकी बहू बेटियों को राहुल गांधी इनवाइट करता है बलात्कार करवाने के लिए, आप बताइए मुझे, क्या आपके लिए माफी पर्याप्त होगा? आपको राहुल गांधी और देश के पुरुषों को, सभी पुरुषों को बलात्कारी कहता है, क्या आपके लिए माफी पर्याप्त होगा? क्या देश का हर भाई, हर बेटा, हर पिता बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में? क्या उस हर भाई और हर बेटे के लिए माफी पर्याप्त होगा? क्या हमने कभी ये कहा कि जो महिला पर अत्याचार करता है उसको छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। इस देश के हर तंत्र ने, हर राजनीतिक दल ने ये कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन देश के हर परिवार को कलंकित करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। विक्रांत की ओर रुक करेंगे, विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। लेकिन ये दृश्य देखिए, स्मृति ईरानी संग लॉकेट चैटर्जी और बीजेपी की कई महिला सांसद, सरकार पक्ष के कई महिला सांसदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस से माफी मांगी। स्मृति ईरानी की बात करें तो पिछले हफ्ते ही कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ एमपी लोकसभा में उनकी तरफ दौड़े थे, कुछ जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया था। स्मृति ईरानी का कहना था कि बहुत ही अभद्र व्यवहार था, हाथ दिखाकर मुझे मारने की धमकियां दी गई थी, मुझे कई सारी बातें सुनाई गई, एक महिला के साथ का इस तरह का व्यवहार कांग्रेस के एमपी को शोभा देता है, ये सवाल पूछा था पिछले हफ्ते स्मृति ईरानी ने। और आज स्मृति ईरानी ने सीधा सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया है कि क्या उनका मेक इन इंडिया से और रेप इन इंडिया से जोड़ना और कम रेप इन इंडिया कह देना, क्या ये सही है? क्या ये देश की महिलाओं के खिलाफ एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार नहीं है? दूसरी बात, क्या ये देश को कलंकित करना नहीं है? वहीं राहुल गांधी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था जब निर्भया का पूरा कांड हुआ था 2012-2013 में। तो अगर नरेंद्र मोदी ने वो कहा है और मैंने आज की परिस्थिति देखकर ये कहा है तो क्या गलत कहा है? ये सिर्फ विषय भटकाने का, ध्यान भटकाने का मार्ग है, क्योंकि मुद्दा ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के चलते, नागरिकता संशोधन बिल के चलते जो देश में बवाल है उससे विषय को भटकाने की बात है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये लॉकेट चैटर्जी है, बंगाल से एमपी है, और आक्रोश जताती हुई कांग्रेस और विपक्ष की ओर। चलिए अब रुक करते हैं विक्रांत यादव के पास और अरुण सिंह से भी बात करेंगे। विक्रांत, आपने स्मृति ईरानी से बात की, प्रियंका कांडपाल राजघाट से जुड़ रही हैं जहां स्वाति मालीवाल दिल्ली का कमीशन ऑफ वुमेन और आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ा मोर्चा लेकर वहां पर आंदोलन कर रही हैं, वहां पर फास्ट पर बैठी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं विक्रांत से बात करना चाहूंगा। विक्रांत, स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक साथ महिलाओं के ही नहीं, महिलाओं पर ही नहीं पर देश पर भी और देश की छवि पर भी आक्षेप किया है।
देखिए आनंद, इस मामले में जो बयान सामने आया था राहुल गांधी का रैली के दौरान, उस पर कांग्रेस की अपनी सफाई है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि जिस तरीके की वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए राहुल गांधी ने अपना बयान दिया था, और साथ साथ प्रधानमंत्री का एक पूर्व का बयान जो 2014 से पहले का बयान है, जिसमें कहा गया था निर्भया के समय दिल्ली रेप कैपिटल बन गया है, तो वो बयान कांग्रेस डिफेंस में सामने लाई है। लेकिन बीजेपी की महिला सांसदों ने आज लोकसभा में जोरदार हंगामा किया और उन्होंने ये मांग की कि बीजेपी की राहुल गांधी सदन में आए, माफ़ी मांगे, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपने इस बयान के जरिए एक खुला आमंत्रण दिया है और ये कहा है कि रेप इन इंडिया बन गया है, तो एक तरह से वो बलात्कार करने वालों को आमंत्रण दे रहे हैं। बेहद ही आपत्तिजनक ये बयान है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। काफ़ी जोरदार हंगामा है सदन के अंदर रहा। बीजेपी के सांसद, खास तौर से जो बीजेपी की महिला सांसद हैं, काफी रोष में भी दिखाई दी। स्मृति ईरानी उन्हें लीड कर रही थी और स्मृति ईरानी पहले सदन के भीतर उन्होंने काफी इस पर अपना विरोध जताया, और इस बात पर उन्होंने जब हमसे बात कर रही थी तो इस बात पर खासी आपत्ति जताई कि यूपीए की कुछ सहयोगी दल अंदर समर्थन कर रहे थे, क्योंकि जब लोकसभा में बात चल रही थी बीजेपी की महिला सांसद विरोध कर रही थी, उसी दौरान कनिमोई खड़ी हुई थी डीएमके की सांसद, और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के बयान को गलत तरह से नहीं देखना चाहिए, उन्होंने जो बात की है उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। तो उस पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई कि महिला सुरक्षा जैसे मामले पर एक सदन एकजुट नहीं हो पाया। लेकिन यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, देश में चुनाव का भी माहौल है, झारखंड जैसे बड़े राज्य का चुनाव है, और इस समय महिला सुरक्षा को लेकर के पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ देखिए, महिला सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये जरूरत है और ये एक नीड है। इस पर राजनीति करना और इस पर इस तरह की टिप्पणी करना, क्या कांग्रेस पार्टी मानती है अरुण सिंह की राहुल गांधी ने शायद गलती की? क्योंकि आज उन्होंने कहा कि देखिए, कल मैंने यह कहा था कि आज के अखबारों में हम मेक इन इंडिया नहीं दिखता, हमें रेप इन इंडिया दिखता है। लेकिन भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जहां मेक इन इंडिया होना था वहां अब रेप इन इंडिया हो रहा है। इन दोनों में बहुत फर्क है। राहुल गांधी ने भी अपने वक्तव्य को थोड़ा घुमा के पेश किया आज जब उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कहीं ना कहीं सियासत करते करते देश की छवि, इसकी जिम्मेदारी तो सबकी है, खासकर बड़े नेताओं की। देखिए निश्चित रूप से आनंद, और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी किस तरह से फ्रंट फुट पर आकर के उन्होंने सफाई दी, और सफाई के साथ ये भी कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उसके पीछे उनका ये तर्क था कि प्रधानमंत्री ने भी एक वक्त दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था, और उसी परिपेक्ष में उसी भावना से उनके बयान को देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो अखबार पलटते थे तो मेक इन इंडिया के एडवर्टीजमेंट देखते थे, आज अखबार वो पलटते हैं तो वहां पर रेप की घटनाओं का जिक्र होता है, और इसलिए मेक इन इंडिया रेप इन इंडिया बन गया। ये उनके तर्क हैं। उन तर्कों को लेकर के संसद का जो शीतकालीन सत्र था उसके आखिरी दिन, आज आखिरी दिन था, और मुझे लगता है कि सीएबी से लेकर तमाम मसलों पर जो कांग्रेस हमलावर थी, बीजेपी के पास एक मौका जरूर मिला था कि इस नोट पे संसद खत्म हो, कि जहां पर राहुल गांधी कटघरे में खड़े हो। राहुल गांधी ने क्या कहा उसकी सफाई उन्होंने खुद दी, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के बयान को वो जाके ट्विटर पर अपलोड करने वाले हैं। लेकिन जो सवाल आपने कहा कि रेप की बातें जब होती हैं, रेप की घटनाएं जब इस तरह से चर्चा में आती है, तो हिंदुस्तान की छवि खराब होती है, और जिम्मेदारी सबकी है। आपने देखा था किस तरह से निर्भया से लेकर के आज तक जितने भी हीनियस रेप के केसेस हुए उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक चिंता कई बार जताया, और उससे उसको लेकर के हिंदुस्तान की छवि खराब होती है। आपकी बात सही है। एक बात और जो राहुल गांधी ने कही आनंद, उसको भी मुझे लगता है नोट करने की जरूरत है। रघुराम राजन एक बार फिर सीन में आ गए। राहुल गांधी से रघुराम राजन की जो बातचीत हुई थी उसका जिक्र उन्होंने कहा, कहा कि अब हिंदुस्तान की चर्चा कोई नहीं करता। उनका स्पष्ट तौर से निशाना प्रधानमंत्री पर इकोनॉमी को लेकर के था कि इकोनॉमी इस समय देश की ठीक नहीं है, और इस पर जहां वो रघुराम राजन की बात कर रहे हैं, वही पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने उन्होंने भी यही कहा, प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि उन्हें ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इस पर राजनीति, इकोनॉमी पर राजनीति जायज है, लेकिन विक्रांत, जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली की बात की थी रेप कैपिटल, तब आंकड़ों के बेसिस पे कहा था, और ये कहा था कि उस वक्त परिस्थितियां राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी थी कि आंकड़ों के हिसाब से उस वक्त दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े शहरों को अगर देखा जाए तो दिल्ली सबसे आगे था, और इसीलिए ये रेप कैपिटल की बात हुई थी निर्भया कांड के वक्त। और उस वक्त फरवरी पूरे 2012 के साल में ही जितनी घटनाएं घटी थी वो निंदनीय थी और वो शर्मनाक थी, और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा था। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल कहा रांची डोडा में, और दूसरी बात और जो आज वो कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि अखबारों में ऐसा लिखा था, लेकिन रैली में तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और अगर इसको कोई हेडलाइन बना देता है तो क्या यह कांग्रेस पार्टी की छवि के लिए हानिकारक नहीं है? दूसरी बात,
क्या राहुल गांधी का यह आरोप कि आपने सीएबी पर मचे बवाल से ध्यान भटकाने के लिए इसको उठाया है, इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आनंद, जहां तक हम बात करें, निर्भया के समय पूरा देश एकजुट हो गया था और ये जो विजय चौक जहां पर इस समय हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक बात पहुंचा रहे हैं, ये पूरा इलाका युवाओं ने, युवतियों ने घेर लिया था और एक मांग उठी थी कि देश में इस तरीके के घृणित अपराधों के खिलाफ कड़ा कानून बने। देश में कानून भी बना लेकिन बलात्कार, रेप, इन जैसी घटनाओं पर उस तरह से कड़ाई रोक नहीं लग पाई जैसी लगनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो बयान सामने आया उसके शब्दों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की कड़ाई की एक उम्मीद थी कि देश में इस तरह के अपराधों को लगाम लगाई जा सकेगी, शायद अभी उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। लेकिन राहुल गांधी के शब्दों को अगर हम बात करें तो उसी को लेकर के बीजेपी की आपत्ति भी है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश की छवि को एक तरह से गलत किया और देश की छवि के साथ खराब प्रदर्शन किया, तो उसको लेकर के उनका विरोध था। और जहां तक कैब को लेकर के बात है, बीजेपी का साफ ये कहना है कि कैब को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है और वो ये कोशिश कर ये कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में जिस तरीके से लोगों का जो छिटपुट विरोध है उसको एक बड़ा रूप दे सके और स्थिति को बिगाड़ा जा सके। सीधा आरोप बीजेपी लगा रही है कि इसके पीछे कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल है। हालांकि सरकार का अपनी तरफ से कहना है कि पुरजोर कोशिश की जा रही है और वहां के जो तमाम गुट हैं, तमाम संगठन हैं, उनसे भी लगातार बातचीत करके इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस टिप्पणी पर अगर विपक्ष में से सुप्रिया सुले वहां बैठी थी, वो क्यों नहीं खड़ी हुई? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि इस तरह से इसको इलेक्शन स्टेज पर इस तरह से कहना शायद ठीक नहीं, इस पर सोच होनी चाहिए? प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, वहां राजघाट पर बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी और DCW की जो चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस तरफ रुख करें। उससे पहले सुनते हैं कि सदन में राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा। इस मेक इन इंडिया, इस शब्द के साथ जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो आहत हुआ हूं, पूरा सदन आहत हुआ है और मैं समझता हूं सारा देश आहत होगा। क्या इस सदन में ऐसे भी लोग सुनकर आ सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं कुछ शब्द का इस सदन में प्रयोग नहीं कर सकता हूं और पूरे सदन से ही केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य नहीं। Not an order. But the minister. And the minister has taken my name and Supriya Sule's name and he expects us to answer. We have to understand one thing first. This was said outside the house. No, 1 minute, 1 minute. Let me finish. Sir, you wanted me to answer? Nirandam Jyoti, Nirandam Jyoti. Sir, can I? Yes. Sir, the Prime Minister has always been saying, make in India. We all respect that and we want things to be made in India and in India to become a very flourishing economy. But then what is happening in this country? That is what Mr. Rahul Gandhi, the Honorable MP, intended is. Unfortunately, make in India is not happening and the women in this country are being raped. गौर फरमाने वाली बात है कि जब कन्नीमोड़ी खड़े होकर अपना बयान दे रही थी तो पीछे से शशि थरूर उनको कोच कर रहे थे कि कहना क्या है और कैसे कहना है। बात यह है कि राजनाथ सिंह ने जो बात उठाई कि मेक इन इंडिया के साथ इस तरह की तुकबंदी क्या राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को शोभा देता है, क्योंकि देश की छवि इस पर बनती है। क्या आंकड़े ये बताते हैं कि इस देश में सिर्फ रेप इन इंडिया हो रहा है?
ये सवाल राहुल गांधी को जवाब देने की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली रेप कैपिटल बना है तो आंकड़े इस तरफ इशारा करते थे कि दिल्ली में दुनिया भर के अगर कैपिटल्स देखे जाएं तो दिल्ली में सबसे ज्यादा इस तरह के जघन्य अपराध होते थे। प्रियंका कांडवाल की ओर रुख करते हैं। राजघाट में बहुत सारी महिलाएं हैं, वहां उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो क्या राहुल गांधी के इस कथन का समर्थन करती हैं या उनको लगता है कि राहुल गांधी को ऐसा कथन नहीं कहना चाहिए था, ऐसी तुकबंदी नहीं करनी चाहिए थी? जी, जो महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे सीधा जानते हैं। आज संसद में राहुल गांधी ने बयान दिया कि ये मेक इन संसद में नहीं बाहर बयान दिया कि मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया हो रहा है, क्या इस तरह क्या देखती हैं? देखो, हमारे देश में चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन लड़कियों के साथ रेप तो हमेशा होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सुमित्री जी ने भी अपनी चूड़ियां भेजकर संबोधित किया था कि लड़कियों की रक्षा करो, आज वो बोल रहे, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं पर सुरक्षा तो कोई नहीं करता, कानून बनाओ, बातें करने से कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप दे रहे हो तुम, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट जब होगा जब आप अपनी सुरक्षाओं को बढ़ाओगे, कानून व्यवस्था को अच्छा करोगे। चाहे आपकी क्या राय है, राहुल गांधी कहते हैं रेप इन इंडिया हो गया है देश में। जी बिल्कुल, रेप इन इंडिया तो हो ही गया है। जिस टाइम पे निर्भया का केस हुआ था सन 2012 में, स्मृति ईरानी जी ने बहुत कूद कूद के और चूड़ियां भेजकर ये कहा था कि ये क्या हो रहा है। अब मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम नागरिक है हिंदुस्तान के, हम वोट देते हैं और उनको इसलिए सीट पे नहीं बिठाते कि वो हमें ना देखे, हम इसलिए सीट पे बिठाते हैं कि वो हमारे दुख दर्द समझे और हमारे लिए आवाज उठाए। लेकिन आप क्या कहेंगी, क्या भारत में अब सिर्फ रेप ही रेप हो रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, अब तो रेप ही रेप हो रहा है। और जब वोट मांगने होते हैं तो हाथ जोड़ के दरवाजों पे आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। आज हम भीख मांग रहे हैं तो इनके कान भी बंद है और आंखें भी बंद है इनकी। कहा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कैसे करें जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं है? बेटियां सुरक्षित, आपको लगता है कि संसद पर असल मुद्दे पर बात होनी चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज स्वाति मैडम को यहाँ अनशन पे 11 दिन हो गए, मैं स्वाति मैडम अनशन पे बैठी हैं महिलाओं के मुद्दे को लेकर कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई कानून बने, लेकिन संसद में मुद्दे क्या उठ रहे हैं? नागरिकता बिल संशोधन के, नागरिकता सभी मुद्दे जरूरी है लेकिन ये इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ एक महिला हम महिलाओं के लिए बैठी है तो कम से कम उनकी तो सुननी चाहिए। यानी कि 11 दिन आज यहाँ पर स्वाति को हो गए हैं और भी लड़कियों से यहाँ पर बात करेंगे। ये बताइए, आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बयान दिया है कि इस देश में, पार्लियामेंट में नहीं बाहर बयान दिया है कि अब ये इस देश में मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया हो रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो अपना पार्लियामेंट में बहस ना करें, हम 11 दिन से यहाँ पर है, कम से कम हमारी बात सुने, 6 महीने के अंदर रेपिस्टों को सजा दो, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो उठाए ना, ये कदम करे ही ना यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कहती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ रेप ही रेप हो रहे हैं, सही कह रहे हैं? जी प्रियंका, प्रियंका मैं आपसे हटूंगा। वहां की जो महिलाएं कह रही हैं, ये कह रही हैं कि अगर आपने कानून बनाया उस कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या? अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही तो पार्लियामेंट में बयानबाजी करने से फायदा क्या? चुनावी रैली में बयानबाजी करने से फायदा क्या? कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी सरकार हो, महिलाएं क्या इस देश की सुरक्षित हैं? महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि भले ही हमें स्वतंत्रता मिल गई हो लेकिन हम आजाद तब हैं जब मध्य रात्रि में रात के 12 बजे 2 बजे एक सुनसान सड़क पर वीरान जगह पर एक महिला बेखौफ अगर चल सकती है, उस दिन उस वक्त ये देश पूर्णतः आजाद होगा। तो क्या 72 साल के बाद आज भी ये देश आजाद है? ये सवाल पूछने की जरूरत है। ये ग्राउंड पर ये सेंटिमेंट है महिलाओं का। बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं, लॉकेट चैटर्जी बोली है, रूपा गांगुली बोली है, विपक्ष से भी आवाजें आई हैं, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। इस वक्त रूपा गांगुली जी, रूपा जी आप लोग क्या मुद्दा उठा रहे थे? देखा हमने कि राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी उत्तेजित थे आप लोग। आप मुझे बता दो कि एक मेक इन इंडिया जैसा चीज को वो रेप इन इंडिया कैसे कह सकते हैं? हमें समझ भी नहीं आता है वो क्या भाषण याद करके जाते, पढ़ के जाते और हर भाषण में बीच बीच में वो 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड पॉज लेते रहते, सोचते रहते। क्या उनके दिमाग को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है? उनके भाषण कभी आप देख लीजिएगा तो अगर 4 मिनट का भाषण है उसमें 2 मिनट पॉज है, ऐसे चुप करके खड़े रहते, सोचते रहते। तो वो तो ये कह रही कांग्रेस की वो तो जो देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर ध्यान दिलाना चाहते थे। ध्यान उनको इस तरह से दिलाना है? अगर उनको उनको सच्ची में ध्यान दिलाना था तो वो उनके खुद के राज्यों में बंदोबस्त करते कि और एक घटना ना घटे, तब जाके बोल सकते हैं कि कोई हम पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स में।
राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया है। हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी जी हैं बात करने के लिए। शर्मिष्ठा जी, अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा कि पहले मेक इन इंडिया था, अब रेप इन इंडिया जैसी स्थिति हो गई है। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने और खासकर महिला नेत्रीगण, जो अभी तक बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति अपराध जो बढ़ रहे हैं, हर रोज़ एक हीनियस क्राइम्स होते हैं। उन्नाव में जो लड़की को जला दिया गया है, रेप अक्यूज़ को, उन्नाव में जिस तरह से हमने देखा, पहले भी जो रेप अक्यूज़ जो रेप विक्टिम थी, जो विक्टिम थी, उस विक्टिम के परिवार का साथ जिस तरह से एक का बाद हाथ एक हादसा होके बिल्कुल वो परिवार को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, तब बीजेपी के सारे नेताएँ मुँह में ताला लगा के बैठे हुए थे। और अभी अगर कोई व्यक्ति, वो कोई भी क्यों ना हो, रेप जैसे जो हीनियस एक सीरियस हीनियस क्राइम है, उसके अगेंस्ट अगर अपना वॉइस रेज कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, अब उसके अगेंस्ट ये लोग बोल रहे हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग रेप, दे आर कंडेमिंग अ पर्सन हु इज कंडेमिंग रेप। सो ये दिखाते हैं कि ये बीजेपी की मानसिकता क्या है। स्मृति ईरानी जी कह रहे हैं कि महिला नेता होने के नाते उनको लगता है कि राहुल गांधी की गलत बयानी है, ये उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। महिला नेत्री होने के नाते स्मृति ईरानी जी को तो बहुत पहले ही मुंह खोलना चाहिए था। ये सारे जो रेप के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में तो सारे बहुत पहले, उन्नाव में के बारे में वो क्यों चुप बैठे, जो मुजफ्फरनगर में जो हुआ है उसके बारे में वो क्यों चुप बैठे, इतने सारे एक के बाद एक रेप इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में सवाल क्यों नहीं उठाए। गिरिराज जी, आज सदन में खूब हंगामा हुआ, महिला सांसदों के साथ साथ पुरुष सांसद भी साथ में विरोध कर रहे थे राहुल गांधी के उस बयान को लेकर। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, पूरे दुनिया में अपने देश के मान मर्यादा के लिए पक्ष और विपक्ष की जुबान एक होती है, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो नीतियां अपनाई है, कभी देश में आतंकवाद के नाम पर जो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, और अब जो मेकिंग इंडिया, पूरे दुनिया में भारत प्रधानमंत्री के इस आह्वान को स्वीकारा, लोग आ रहे हैं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने आकर के मेकिंग इंडिया में पार्ट नहीं लिया, अब ये कह रहे हैं मेकिंग रेप, यानी आओ बाहर से रेप करो, ये तो खून खौलाने वाली बात है कि क्या भारत की बेटियां विदेशियों के लिए ये रेप का स्थान है? शायद उनके अंदर अगर भारत का खून बह रहा है तो भारत को बदनाम ना करें, भारत से माफी मांगें। हमारे साथ सुष्मिता देव जी मौजूद हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। सुष्मिता जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया की जगह पर रेप इन इंडिया जैसी स्थिति हो गई है, उसको लेकर बीजेपी के सांसद खासकर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल। स्मृति ईरानी जी नींद से जगी हैं, अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था और बिल्कुल बेशर्मी से 2014 में कहा था कि निर्भय को याद कीजिएगा वोट डालने से पहले। देखिए, देश में जो परिस्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। एक पीड़िता को जलाया जाता है रेप करने के बाद, एक पीड़िता को यूपी में जलाया जाता है कचहरी पहुंचने से पहले। ये ना स्मृति ईरानी और ना सुष्मिता देव की बात है, ये देश की महिला सुरक्षा की बात है। और हम आज, मैं साहस हूँ मोर्चा निकालेंगे, सब महिलाओं का आह्वान है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो रेप के बारे में, जब रेप होता है, चुप रहते हैं, और पूरे देश में आग लगाने के बाद आखिरी दिन सेशन में वो नींद से जगते हैं। ये इस तरह की राजनीति है कि उसी तरह की राजनीति है जिससे महिला सुरक्षा का नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर पहले ये जवाब दें कि निर्भया कोष का आज तक 100% यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके बारे में कोई जवाब देश की महिला को वो नहीं दे पाई है सदन में, ये ज़्यादा अहम सवाल है। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे जी। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया आज संसद में, बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने खास तौर पर बहुत विरोध जताया। राहुल गांधी ये पार्लियामेंट के लिए शेम है, ये कैसे बोल सकते हैं इंडिया इज ए रेप कंट्री? वो इंडियन है, वो इटालियन है,
उसके एक बार तय करने है वो किस देश का है, किस देश का नागरिक है, एंड हमारे देश को वो अपमान करने क्यों चाहते हैं, वो इसको तय करना है, वो पार्लियामेंट छोड़ के भागना है। लेकिन कई कांग्रेस के सांसदों ने और कुछ और कांग्रेस विपक्षी दलों के सांसदों ने समर्थन में भी बात कही, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बात की, गलत तरीके से बयान को देखा जा रहा है। नो, ऐसे ऐसे बात कैसे कर सकते हैं, इंडिया इज ए रेप कंट्री कैसे कर सकते हैं, एक विषय इंडिया में आए तो उसका हम समझे निकालना, कुछ कानून कार्रवाई करना, वो तो ठीक तरह से करना, वो तो हम हमारे उसके साथ है, बट ऐसे कैसे कर कह सकते हैं वो। तो आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी को राहुल गांधी माफी मांगना है, राहुल गांधी पार्लियामेंट छोड़ना? शोभा करंदलाजे ने कहा राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी सदन को छोड़ दें। यही बात राजनाथ सिंह जी ने भी कही कि इस सदन में ऐसे एमपी का रहना शोभा नहीं देता। कई लोगों ने कहा, अब हमें खबर आ रही है कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी महिला सांसद जो हैं वो चुनाव आयोग के सामने शिकायत करेंगी, और ये बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल है महिला सांसदों का जो चुनाव आयोग के सामने जाकर उन पर अपनी याचिका रखेंगे और राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट यानी शिकायत करेंगे। विक्रांत जुड़ रहे हैं ज्यादा और डिटेल्स के साथ। सबसे बड़ी बात विक्रांत, ये कहा जा रहा है कि इस तरह की तुकबंदी करना देश को हानि पहुंचाना है, देश की महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा आक्षेप है। आपने राजनीतिकरण कर दिया एक ऐसे मुद्दे का, संवेदनशील मुद्दे का, जिसको आपको नहीं करना चाहिए था, और ये एक सांसद को शोभा नहीं देता। देखिए बिल्कुल आनंद, और इसी चीज़ को लेकर के आज सदन के भीतर हंगामा किया और अब सदन के बाहर भी, क्योंकि सदन अब साइनेडाई हो गया है अनिश्चितकालीन समय के लिए, तो अब सदन के बाहर भी बीजेपी के सांसद इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। आज बीजेपी की महिला सांसदों का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सरोज पांडे होंगी, स्मृति ईरानी होंगी, 5:30 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, और झारखंड के राजमहल में जो चुनावी रैली में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था इसकी शिकायत की जाएगी चुनाव आयोग से। बीजेपी के सांसदों का ये मांग होगी प्रतिनिधि मंडल की कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिस तरीके से उन्होंने चुनावी रैली में इस बयान को दिया है, लिहाजा उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सांसदों को एक संदेश मिले और इस तरीके के बयान कोई भी राजनीतिक नेता अपनी चुनावी रैली में ना दे सके। अखाड़ा में आज हमने राहुल गांधी की सफाई भी पेश की, और जो उन्होंने डोड्डा में कहा था वो भी आपके सामने हमने पेश किया। जो उन्होंने चुनावी रैली में कहा और जो अपनी सफाई में कहा, दोनों में अंतर है। अब क्या चुनाव आयोग इन महिला सांसदों की शिकायत को संज्ञान में लेगा, देखने वाली बात है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान को ट्वीट करते हुए हमला बोला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था। आप दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है, और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप विपक्ष के नेताओं पर गालियां दे रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो। अरुण सिंह और विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला दोनों ने इस चुनावी रैली के दिए गए बयान को, प्रधानमंत्री के बयान को ट्वीट किया है। लेकिन अरुण, 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले थे, विक्रांत भी हमारे साथ है, विक्रांत याद करने की जरूरत है कि जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था, यह निर्भया कांड के बाद हुआ था, और साथ ही चीन की एक महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया कि चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आप दिल्ली ना जाएं, अपने लोगों से कहा कि आप दिल्ली ना जाएं क्योंकि वो रेप कैपिटल बन गया है। चाइना ने दिल्ली को, भारत की राजधानी को रेप कैपिटल कहा था, और वहां से ये संज्ञान, ये परिभाषा शुरू हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में, 2015 में एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में दिल्ली में सबसे ज्यादा ऐसे जघन्य अपराध हुए थे। 2015 की रिपोर्ट में तो टोटल रिपोर्टेड केसेस 1841 थे,
जबकि 1441 केसेस थे 2014 में, लेकिन 2013 में निर्भया कांड के बाद विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए यह लिखा था कि भारत की राजधानी दिल्ली रेप कैपिटल हो गई है, आप दिल्ली ना जाएं। जब एक चीनी महिला के साथ, चाइना की एक महिला के साथ दिल्ली में ऐसा दुष्कर्म हुआ, उसके बाद चाइना ने सबसे पहले दिल्ली को रेप कैपिटल कहा था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह रेफरेंस दिया, देखिए आपने दिल्ली को रेप कैपिटल बना डाला। देखिए आनंद, दोनों ही पक्षों की इस मामले में अपनी अपनी दलीलें होंगी। बीजेपी प्रधानमंत्री का जो बयान था उसकी समर्थन में और उसको बचाने की कोशिश करेगी। राहुल गांधी के बयान को लेकर के कांग्रेस एकदम फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां तक शब्दों की अगर हम बात करें तो जब पूरे देश की छवि के सवाल होता है तो निश्चित तौर पर राजनेताओं को थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और जिस तरीके से रेप इन इंडिया का बयान आया, निश्चित तौर पर उससे छवि पर चोट लगी है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हमें यह जानने की जरूरत है विक्रांत कि उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चुनावी भावी प्रधानमंत्री इलेक्ट कहा जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार एनडीए की तरफ से बीजेपी की तरफ से थे। लेकिन उन्होंने भी वादा किया था, इस सरकार ने भी वादा किया था कि कानून लाया जाएगा, सशक्त होगा। लेकिन आज ये महिलाएं राजघाट पर क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? निर्भया कांड के बाद 7 साल के बाद आज भी उन अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिली है? हैदराबाद के बाद जो हुआ, क्या वो इस देश का कानून बन जाना चाहिए, इंस्टेंट जस्टिस का? ये सारे सवाल हमारे देश के नेताओं को देने की जरूरत है, इस सिस्टम को देने की जरूरत है। अखाड़ा में आज बस इतना ही, धन्यवाद।